हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता। क्या आप लाटविया में रीअप्लाई कर सकते हैं अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है? सो देखिए, ये क्वेश्चन हमसे बहुत बार जो है स्टूडेंट्स पूछते हैं और रेगुलर इससे रिलेटेड हमारे पास इंक्वायरीज ऑलरेडी आ रही हैं। जिन स्टूडेंट्स का प्रीवियस इनटेक्स में वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, सो वो दोबारा अगर अप्लाई करना चाहते हैं लाटविया में, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको चेंजेस करने पड़ेंगे? सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग जो है इस सवाल का जवाब जो है वो जानना चाहते होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लाटविया में आपका स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, तो आप दोबारा अप्लाई अगर करना चाहते हैं, नेक्स्ट इनटेक में आप अपनी एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं। और सक्सेस की अगर हम बात करें कि आपके वीज़ा लगने के कितने चांसेस रहेंगे, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आपके प्रीवियस रिफ्यूज़ल का जो है आपके प्रेजेंट एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बशर्ते आपने प्रीवियस जो आपने एप्लीकेशन लगाई थी उसमें आपने कोई भी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स ना लगाए हों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप कोई फेक डॉक्यूमेंट या कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगाते हैं अपनी एप्लीकेशन में और वो पकड़ा जाता है एम्बेसी की तरफ से और आपकी एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया जाता है, तो आपको दोबारा वीज़ा लेना जो है वो मुश्किल होता है और कुछ हद तक जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। बट 90% से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो डिनाई होती हैं ड्यू टू सम मिस्टेक्स इन वीज़ा एप्लीकेशन। सो जिन स्टूडेंट्स का जो है वीज़ा डिनाई हुआ है, तो उनको मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप रीअप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी गलती ढूंढें, आपकी जो है वीज़ा एप्लीकेशन क्यों डिनाई हुई होगी, आप वो फैक्टर्स हैं, किन फैक्टर्स की वजह से जो है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया गया, क्या मिस्टेक आपसे हुई, कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपके इनकम्प्लीट थे या कोई मिस्टेक्स थी, वो पहले तो आप वो फिगर आउट करें जो भी प्रॉब्लम आपकी एप्लीकेशन में आई थी, देन आप जो है फ्रेश एप्लीकेशन अपनी लगाएं और उन गलतियों को आप कवर करके लगाएं, तो आपको जो है वीज़ा इजीली मिल जाएगा। सो मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे हमने वीज़ाज ऑलरेडी लिए हैं लाटविया की जो एप्लीकेशंस डिनाई थी और दोबारा हमने रीअप्लाई किया इनटेक्स में और उनका जो है वीज़ा आ गया। तो आपको इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है रीअप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वीज़ा के चांसेस क्या रहते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस इनटेक्स में जो है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन डिनाई हो गई थी और आप अभी दोबारा जो है दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं, सो आप इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। और वीज़ा जो है वो डिपेंड करता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर, आपकी आप जैसे आप अपनी एप्लीकेशन को प्रेजेंट करते हो, जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हो, आप एम्बेसी को जो है ये सेटिस्फाई कर देते हो कि यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट और आप जो वीज़ा के जो है क्राइटेरिया को वो आप पूरा कर रहे हैं, तो आपको वीज़ा मिल जाता है। सो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जिनका वीज़ा डिनाई हुआ हो लाटविया से, वो वीज़ा लेना चाहता है, दोबारा अप्लाई करना चाहता है, तो आप ब्रॉडवे की टीम से आज ही हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। हमको बहुत ही खुशी मिलती है ऐसे स्टूडेंट्स को हेल्प करके जिनका वीज़ा डिनाई हुआ है और उनको दोबारा वीज़ा लगवा के देने में। सो आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी हमारी तरफ से और आपको जो आपका वीज़ा है वो हम लगवा के देंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।